प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना उर्स को लेकर अजमेर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजन किया गया। इस बैठक में उर्स मेले में आने वाले जायरीन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सभी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर अजमेर जिले के सभी अधिकारियों के साथ ही रोडवेज व रेलवे के पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिनसे विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले को लेकर फीडबैक लिया गया। अजमेर कलेक्टर पंचदीप ने बताया कि विगत सालों में कोविड-19 महामारी के चलते मेले में आने वाले जायरीन की संख्या कम थी, ऐसे में इस बार ये संख्या करीब 1.5 गुना बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर प्रशासन व्यापक इंतजाम में जुटा है। दरगाह में स्वच्छता के साथ ही पानी, बिजली और अन्य व्यवस्थाओं के अलावा यहां आने वाले जायरीन के ठहरने को लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। कायड़ विश्राम स्थली में लाखों की संख्या में जायरीन का आना जाना होता है, ऐसे में प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं राजस्थान रोडवेज की व्यवस्थाओं और रेलवे की गाड़ियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आगामी 18 दिसंबर को उर्स मेला प्रस्तावित है, ऐसे में धार्मिक रस्मों के अलावा जायर भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभी विषयों को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। आगामी दिनों में बैठक आयोजित कर इसका फीडबैक भी लिया जाएगा। मेले से पहले सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सके इसके लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। अब देखिए उर्स का जो हर साल मेला भरता है, इस बार 18 तारीख से एक्सपेक्टेड है शुरुआत होने का, लगभग 2 फरवरी तक चलने की संभावना है। उसके लिए जो पूर्ण रूप से तैयारियां करनी है, उसकी तैयारियां हमारे तरफ से जो छोटे चालू हो चुकी है, चाहे वो विश्राम स्थली के ऊपर करवाना हो, चाहे जायरीनों की व्यवस्था कराने के लिए ट्रेन बसेस कैसे आएंगी उसकी व्यवस्था करानी हो, चाहे दरगाह क्षेत्र के अंदर वहाँ पर साफ सफाई हो, अतिक्रमण रिमूवल हो, चाहे तारों को ठीक करवाना हो, और किस हिसाब से वहाँ पर पुलिस व्यवस्था रहेगी, क्या रहेगा, उसके लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करवा रहे हैं। इस बार संभावना है, लास्ट टाइम हम लोग एक्स्ट्रा ट्रेन्स नहीं चलवा सके थे, एक्स्ट्रा जो बसेस हैं वो भी काफ़ी कम आई थी इस बार, परंतु जो क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो इस बार वो भी एक्स्ट्रा आने की संभावना है। उनके हिसाब से किस हिसाब से एक्स्ट्रा तैयारी करनी है उसके लिए पूरी पूरी टीम है हमारी, भी तैयारी करती है, उसका रेगुलर रिव्यू हमारे साथ है। कोई आंकड़ा आया सर, कितने इस बार जो है जायरीन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? आप देखिए जो जनरल फिगर्स हैं, हम तो पुराने जो फिगर्स हैं उसी को एक्स्ट्रापोलेट करने की बात करते हैं। जहाँ तक की बात है, हमारे यहाँ पूरे इंडिया भर से आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, एंड एक्सपेक्टेशन है जितना लास्ट टाइम आया है उसका हम लोग जो तैयारी है वो 1.25 से 1.5 गुना के आसपास के हिसाब से अपनी तैयारी है।